तो मेरे इस साइड पे बड़ा कमाल का माहौल है, लोग नहा रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे बीच पे ही मसाज हो रहा है। ये कंट्री मसाज के लिए इतनी फेमस है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई मैं हूँ इस वक्त थाईलैंड के अंदर, पताया के अंदर। तो मैं यहाँ पे मिलने आया था किसी से, आज आपसे उनकी मुलाकात भी होगी। मैंने एक रूम लिया है, ये है स्कैंडिया होटल या हॉस्टल समथिंग। तो भाई ये है स्कैंडिया हॉस्टल होटल की हॉस्टल बीच होटल, ये नाम स्कैंडिया बीच होटल। सो ये वॉशरूम है, ठीक ठाक, शैम्पू वगैरह लोशन वगैरह पड़ा हुआ है, और चाय कॉफ़ी पानी बॉयलर, उसके अलावा टीवी शीशा वगैरह, क्वीन बेड है। और ये विंडो से व्यू है पूल का। तो भाई चलते हैं बाहर, कल का मैं घूमा नहीं हूँ, सिर्फ मैं था रेस्ट पे ही, रेस्ट कर ली हुई है। आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ पहले। तो ये भाई इस होटल का स्विमिंग पूल है, कल नहाएंगे इसमें ये। और ये सामने मेरा रूम है, इस किस्म का माहौल है यहाँ पे। तो भाई कपड़े लॉन्ड्री पे दे दिए। ये है वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ की, जो बिल्कुल नॉर्मल सी है। मतलब ये एरिया जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं फॉरेनर, गोरे लोग हैं बस। इंडियन पाकिस्तानी मुझे कोई एक आधा शायद नज़र आया हो, वरना ज़्यादातर मुझे गोरे ही नज़र आए। तो भाई लॉन्ड्री का है, अगर सॉक्स हैं अंडरवेयर है तो 10 बात है, और अगर दूसरे पीस हैं मतलब शर्ट है या पैंट है तो उसके 20 लेते हैं ये लोग, 20 बात उसके लेते हैं। तो होटल का मैं बता रहा था आपको भाई, 100 जो है ना डॉलर के बनते हैं 3500 समथिंग। तो मतलब ये समझ लो कि $1 का 35 बात हो गया, तो मतलब एक सेट के आपको ऑलमोस्ट $1 ही लग गया। कल मैं जो था वो ये मेरा जो होटल है, होटल और हॉस्टल दोनों इकट्ठे हैं। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसी तरह जाके सो गया था क्योंकि थका हुआ था बहुत ज़्यादा, हिम्मत ही नहीं पड़ी। पारस भाई साहब आए, मुझे छोड़ के चले गए। कल का मेरा उन्होंने पे किया था, बिरयानी वगैरह खिलाई उन्होंने मुझे, हॉस्टल भी उन्होंने बुक करके दिया। ये तो एक तरीके का मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया है। चलें खैर, जब दुबई आएंगे तो फिर हम भी कोशिश करेंगे उनकी सेवा करने की। तो ये है जी जोमटन बीच का एरिया, जहाँ पहले मैं शायद नहीं आया हूँ। बीच तो मैंने घूमा हुआ, लेकिन ये एरिया मैंने नहीं घूमा हुआ। रात को काफ़ी रौनक हो जाती है इस एरिया में। तो भाई इस तरह से आप बाहर निकलोगे, ये है सामने 7th Street, और ये उस साइड पे लास्ट पे मेरा जो है होटल है, होटल और हॉस्टल इकट्ठा ही है। तो इस तरह का माहौल है यहाँ पे। और ये जो देख रहे हो आप, इस तरह की जो वैने यहाँ पे, या क्या बोलेंगे आप इसको, चलती हैं, 10 बात लेती हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का। तो भाई इस किस्म का माहौल है यहाँ पे बीच के ऊपर, ये छतरियाँ वगैरह बेड वगैरह लगे हुए हैं, आप खा पी भी सकते हो यहाँ पे, कुछ इस किस्म का क्राउड है। तो ये है जी पताया का बीच, इसको जोमटन बीच कहते हैं। पताया बीच असल में उस साइड पे है, अगर हम सीधा यहाँ से चलते हुए जाते हैं तो उस साइड पे पड़ेगा। तो भाई आज मैं यहाँ पे आया हूँ 4 साल के बाद। 4 साल पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट करने का फ़ैसला किया था, तो पहली वीडियोस मैंने
मलेशिया पहले गया था तो वहाँ, फिर उसके बाद यहाँ आया था तो बनानी शुरू की थी, जो शायद मुझे बनानी भी नहीं आती थी। क्योंकि जब आप नए नए को काम शुरू करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना शायनेस होती है। ये देख सकते हो यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटी स्पोर्ट्स का जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मुझे तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे 7-11 जो है तकरीबन हर जगह आपको मिल जाएगी, और मसाज की दुकानें जो हैं। थाईलैंड दूसरे कामों के लिए मशहूर माना जाता है, लेकिन ये असल हकीकत भी नहीं है यार। हर चीज़ के दो रुख होते हैं, जैसे तस्वीर के दो रुख हैं, इसी तरह इसके भी दो रुख हैं यार। हर चीज़ गलत ही नहीं होती, ठीक है, आप उसको पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो सामने जमटन बीच का साइन भी है। तो ये भाई पता नहीं जॉम्पटन कैसे लिखा हुआ है, पताया बीच। तो मैं जितना भी आज चल सका ना पैदल, ये रास्ते से चलता हुआ जाऊंगा और वापसी पे बैठ के आऊंगा उसी वो जीप टाइप जो है 10 भात वाली, उस पे बैठ के आऊंगा। चलते हैं। तो मेरे इस साइड पे बड़ा कमाल का माहौल है, लोग नहा रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं। मौसम यहाँ का तकरीबन ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी है। महीना है ये जनवरी का, 4 साल पहले भी मैं जनवरी में ही आया था, तो ये 4 साल बाद वाला पताया उससे भी ज़्यादा रौनकें यहाँ पे लगी हुई हैं। वो सामने शायद टीवी टावर है, आज प्लान नहीं है ऊपर जाने का। तो भाई यहाँ टॉयलेट यूज़ करने के 5 भात लगते हैं, कि सामने टॉयलेट है लिखा भी हुआ है 5 भात फॉर टॉयलेट। ये सारी वाटर एक्टिविटीज़, तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पे बीच पे ही मसाज हो रहा है, ये कंट्री मसाज के लिए इतनी फेमस है। तो यहाँ पे भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बीच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो ये भाई एंड है, इससे आगे मैं पैदल चल के नहीं जा सकता। एक साइड से जॉम्पटन बीच से लेके यहाँ तक मैं पैदल आया हूँ। अब देखते हैं दूसरा रास्ता कौन सा इस्तेमाल करना है। लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये एंड है, यहाँ से आगे पैदल जाने का रास्ता नहीं है। तो भाई ये पूरा इलाका बाय वॉक, गाड़ी तो यहाँ नहीं थी, जा रहे हैं अब दूसरी साइड पे। तो मैंने ये बाइक बुक की है बोल्ट से, बोल्ट ऐप से, जिसके लगेंगे मेरे ख्याल में 45 बात। तो चलते हैं, देखते हैं ये एरिया कैसा है। ये साइड पे बीच है जो एंड हो गया था, अब मैं जा रहा हूँ इस साइड पे। हर स्ट्रीट इनकी वॉकिंग स्ट्रीट के जैसी लगती है। सब ये पहाड़ी है, इसके ऊपर ऊपर जाके कोई टेंपल भी है जहाँ मैं पहले शायद गया हुआ हूँ, और यह शायद इस साइड पे है।
मुझे कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आ चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। भाई मैं हूँ 7-Eleven पे, ये बनाना लेते हैं, खाते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट में आ चुका हूँ। तो बनाना भाई 14 बाद। तो भाई ये है, वॉकिंग स्ट्रीट से गुजरते गुजरते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये है सारा माहौल, और वहाँ से बोट्स मिलती हैं कोरल आइलैंड जाने के लिए या दूसरे आइलैंड जाने के लिए। चलते हैं थोड़ा सा वहाँ चेक करते हैं, और आपको दिखाते भी हैं और घुमाते भी हैं थोड़ा सा। रास्ता किधर को है? वो उस साइड पे है शायद, वो सामने पताया का साइन भी है। तो भाई ये सामने देख रहे हो, ये पताया का साइन है, और ये रास्ता यहाँ पर जा रहा है। इसके पास से ये रास्ता जाता है, ये वॉकिंग स्ट्रीट में से ही जो बोट लेनी होती है दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए, जैसे कोरल आइलैंड या ऐसी जगह हैं वहाँ आप यहाँ से जा सकते हैं। इस किस्म की यहाँ पे लोकेशन है, अगर देख सको आप, आना चाहो तो आ सकते हो। तो भाई ये देख सकते हो इस साइड से ये जो बोट्स हैं, याच वगैरह, इसका माहौल इस तरह का है। तो ये देखो भाई, पूरी दुनिया इधर ही आ रही है, मैं अकेला ही उधर जा रहा हूँ। चेक करते हैं क्या टाइमिंग है यहाँ पे आने के लिए। तो ये है भाई पताया सिटी। सलकत चेक करो। तो भाई एक दिन के लिए आप बीच और ये एरिया जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बुकिंग स्ट्रीट तो होती है नाइट के लिए, दिन में तो आप उसका कोई मज़ा या आनंद शायद ना ले सको। तो एक दिन आप रख सकते हो कोरल आइलैंड के लिए। यहाँ से शायद 10-20 बात की टिकट होगी, चल के चेक करते हैं कितने की। तो भाई यहाँ डिफरेंट टाइप की जो हैं वो बोट्स हैं, सुबह 7 बजे से ले कर शाम 6 बजे तक, और वहाँ से 6:30 बजे तक आती हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप किसी आइलैंड जाना चाहते हो तो पूरे दिन की ये एक्टिविटी है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होगी शायद नाइट लाइफ की, शायद किसी आइलैंड की। तो ये मेमोरी कार्ड भी ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो भी ख़त्म हो रही है। तो